दिसंबर साल का वो महीना जब सर्दी सबसे ज़्यादा पड़ती है और इस महीने के साथ आता है एक खुशी का त्यौहार जिसका नाम है क्रिसमस। क्रिसमस हर बच्चे का एक फेवरेट त्यौहार होता है। हर बच्चे की ये विश होती है कि सेंटा क्लॉस 25 दिसंबर की रात को उसे आकर गिफ्ट दे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक डरावनी घटना जो कि घटी थी 25 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस के दिन पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम रॉबर्ट है। ये बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 10 साल का हुआ करता था। बचपन से ही मुझे कार्टून्स देखने का बहुत शौक था और मेरा पसंदीदा कार्टून था सेंटा क्लॉस। सेंटा क्लॉस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी क्रिसमस के दिन आके मुझे गिफ्ट देंगे। कई क्रिसमस बीते लेकिन सेंटा क्लॉस कभी मेरे पास नहीं आए। मैं बच्चा था उस वक्त, मेरे पास समझ नहीं थी। मैं अपने मम्मी पापा से पूछता था तो वो सिर्फ एक ही जवाब देते थे कि सेंटा क्लॉस सिर्फ अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं, ना कि बुरे बच्चों को। और ये बात सुनने के बाद मैं बिल्कुल अच्छा बच्चा बन गया था। मुझ में बिल्कुल भी समझ नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि सेंटा क्लॉस नहीं होते। लेकिन बचपन की ये छोटी छोटी गलतफहमियां ही तो बचपन का मज़ा देती हैं। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसे ही आया एक क्रिसमस और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था उस दिन के लिए। मुझे लगा था कि इस क्रिसमस पे तो पक्का सेंटा क्लॉस मुझे आकर गिफ्ट देंगे। और काफ़ी इंतज़ार के बाद वो रात आ गई, क्रिसमस की रात। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी उस रात। मैं सेंटा क्लॉस को एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था और मैंने इसी चक्कर में एक गलती कर दी। मैंने अपने रूम की विंडो खुली छोड़ दी। मैं ये समझ रहा था कि रात को सेंटा क्लॉस अंदर आएंगे और मुझे गिफ्ट दे के वहाँ से चले जाएंगे, और इसी बहाने इस बार तो मैं सेंटा क्लॉस से मिल ही लूँगा। मैं पूरी रात अपनी रजाई में छुप कर बैठा रहा। तभी अचानक से मैंने कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरे घर के बाहर चक्कर लगा रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। मुझे लगा कि वो सेंटा क्लॉस है, आखिरकार मेरी इच्छा पूरी होने वाली है, सेंटा क्लॉस मेरे घर पर आ चुके हैं। मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो कदमों की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ हो रही थी, और जैसे जैसे वो कदमों की आवाज़ तेज़ हो रही थी मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं अचानक से विंडो के पास गया, और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने देखा कि सेंटा क्लॉस अपने हाथ में चाकू लिए मेरी ही गली में घूमने वाले कुत्ते को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। ये देख के मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मैंने बचपन से ही सेंटा क्लॉस के बारे में सुना था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो अच्छे बच्चों को प्यार करते हैं, और कार्टून्स में भी मुझे यही दिखाया गया। मेरे दिमाग में यही बात थी कि सेंटा क्लॉस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने सामने ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सहम सा गया था। उनके हाथ में खून से रंगा हुआ चाकू था और अचानक से मेरे घर की खिड़की की तरफ घूमी। उन्होंने मेरे घर की खिड़की को खुला हुआ देख लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और मैं वहाँ अपने बेड में छुप गया। मैंने विंडो को बंद कर दिया और मैंने अपनी रजाई को पूरा ओढ़ लिया। मैं घबराहट से काफ़ी ज़्यादा डर गया था। दिसंबर जैसे महीने में भी मेरे को पसीने आ गए थे। मेरी सबसे बड़ी विश सेंटा क्लॉस से मिलने की एक श्राप बन गई थी। वो मेरी खौफ की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन मेरा डर तो तब बढ़ा जब मैंने एक आवाज़ सुनी। कोई मेरी विंडो को बाहर से नॉक कर रहा था, और नॉक करने की आवाज़ से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं तुरंत अपने मम्मी पापा के रूम में गया और मैंने अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताई, और मेरे पापा तुरंत उठ के घर में रखा एक सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट लेके बाहर निकले, और उन्होंने देखा
कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे पापा को लगा कि ये सिर्फ मेरा वहम है और उन्होंने मुझे समझाया, बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम अब 10 साल की हो गए और तुम इतने बच्चे तो नहीं हो कि तुम्हें समझ ना आए। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, सेंटा क्लॉज जैसी कोई चीज़ नहीं होती और तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा। ऐसे सेंटा क्लॉज के बारे में सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद मत करो। फिर मैंने पापा को बताया कि उस गली में जो हमारा कुत्ता घूमता रहता है, जिसे सब लोग खाना देते हैं, उसे बड़ी बुरी मौत मार दिया है। मेरे डैड ये बात सुन के हैरान हो गए और वो मेरे साथ गली में आए और उन्होंने कहा कि दिखाओ कि कहाँ है वो कुत्ता। और मैंने उस जगह पे इशारा किया और मेरे डैड भी वो देख के डर गए, क्योंकि उस गली के कुत्ते को काफ़ी बुरी तरह से मारा गया था और ये काम कोई जानवर तो नहीं कर सकता था। मेरे पापा ने मुझे फौरन घर के अंदर छुप जाने के लिए कहा और पड़ोसियों को इकट्ठा किया। मैं तुरंत अपने कमरे में आके छुप गया और तभी अचानक से मेरी बालकनी से एक आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मेरे पापा और गली के बाकी लोग अपने हाथों में हथियार लेके पूरी गली में घूमने लगे और आसपास के इलाकों में भी घूमने लगे। और जब गली के लोग पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस की कार दिखी और उस पेट्रोलिंग करती हुई कार में पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी और मेरे पापा और गली के बाकी लोगों को बताया कि एक साइको किलर एक दुकान से सेंटा क्लॉज के कपड़े लूट के भाग गया है और वो इसी इलाके में है। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है, सब अपना अपना ध्यान रखें, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुन के मेरे पिताजी और गली के बाकी लोग सारे अपने अपने घर की ओर आ गए और मैं भागता हुआ रोता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और मैंने मम्मी को वो सब बताया। मेरी मम्मी ने पापा को ये सारी बातें बताई और मेरे पापा समझ चुके थे कि वो साइको किलर है। मेरे पापा रूम की तरफ बढ़े और उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी और वो ये आवाज़ सुन के समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया और पुलिस वाले थोड़ी ही देर में मेरे घर में पहुंच गए और पुलिस वालों ने मेरे घर के दरवाजे को धीरे से खोला ताकि कोई आवाज़ ना हो और चुपचाप से बालकनी की ओर बढ़ने लगे। और उन्होंने अचानक से उस दरवाज़े को खोला जो कि बालकनी का था और उन्होंने गन पॉइंट कर दी और उन्होंने जो देखा उसे देख के उन्हें उल्टी आ गई। उन्होंने देखा कि उस साइको किलर ने एक बिल्ली को चाकुओं से मार मार के उसकी जान निकाल ली थी, उसके शरीर के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े कर दिए थे और उसके हाथ पूरे खून से सने हुए थे। उसने जो सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने थे ऐसा लग रहा था कि वो रंग से नहीं खून से लाल हो और वो पुलिस वालों को देख के एक अजीब सी हंसी हंस रहा था। पुलिस वाले समझ गए थे कि इसका खुला घूमना खतरे से खाली नहीं है और पुलिस वालों ने उसे वापस से पकड़ लिया और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। और उस दिन के बाद से क्रिसमस जब भी आता है मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ। मेरी उम्र तो बड़ी हो गई है लेकिन कभी कभी रात में जब मैं सोता हूँ तो वही आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है।